सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है शंकरन और आज के इस वीडियो में हम लोग हिफिन ब्रांड की तरफ से तीसरा प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले ये है एच एफ फोर्टी लाइट है ये ये मिनी एलईडी लाइट बोल सकते हो इस लाइट की सबसे अच्छी बात मैं आगे आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी अच्छा लगता है एक लाइक कर दो यार बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो और भी मोटिवेशन मिलेगा तो आज हम लोग हिफिन का लाइट चेक करते हैं इसकी खास बात एक दो तीन पॉइंट बता दो तो इसमें है ना तीन हॉट शू माउंट है आर भी है थर्टीन एफ मोड भी है और बहुत सारे फीचर्स है तो अभी बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं सो तो ये है इसका लाइट तो अभी लाइट जैसे छोटो लाइट अभी बताऊंगा आगे इसके साथ में सिलिकॉन जेल और यू एस बी टाइप सी पोर्ट है टाइप सी पोर्ट का अच्छा फ़ायदा होता है कि चार्जिंग होती है क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन है टाइप सी पोर्ट है आप कंटिन्यूसली अगर इसको ऑन रखना चाहते हो तो चार्जिंग वायर से कनेक्ट करके आप यू एस बी से इसको कंटिन्यूस ऑन भी रख सकते हो अगर बैटरी भी ख़त्म हो जाए तो अब मैं उसके आगे भी बताऊँगा थोड़ा सा अब बात करते हैं इस लाइट के बारे में यह है इतना छोटा लाइट जो मेरे हाथ में आराम से बैठ जाता है नीचे है इसका कोल्ड शू माउंट है जो आपके कैमरा डी एस एल आर गोप्रो एक्सेसरीज़ बोल के सारी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हो नीचे जो है इसका स्क्रू मेकेज़म है तो आप इसको अच्छे से यू नो माउंट कर सकते हो क्योंकि स्क्रू मैकेानिज़म में अप्रोक्सीमेटली चार साल से यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास कुछ ट्रिगर्स है जो स्क्रू मेकेानिज़म है तो ये भी सेम है स्क्रू मैकेनिज़म है लॉक मेकेनिज़म नहीं है नीचे वन इस टू फोर का स्क्रू है जो अब आप सपोज करो ट्राईपॉड पे माउंट करना चाहते हो या फिर आप लाइट uh, स्टैंड के ऊपर माउंट करना चाहते हो तो ये इतना कॉम्पैक्ट है और इतना पावरफुल है मतलब मजा आ गया तो अभी मैं बताऊंगा आगे वो भी तो अभी जैसे नीचे स्क्रू बता दिया अभी इसमें तीन हॉट शू बोल सकते हो माउंट है अब तीन हॉट शू माउंट का फायदा क्या है फॉर एग्जाम्पल आप कोई ट्राईपोड यूज कर रहे हो मैंने ट्राईपोड के बारे में वैसे बताया हिफिन का ही है तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था तो अभी अगर आप वो आप ट्राईपोड यूज करते हो तो जैसे आपने देखा था उस ट्राईपोड में नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है उस ट्राईपोड में आप मोबाइल यूज करते हो ऊपर आप माइक लगा सकते हो बट लाइट के लिए जगह ही नहीं है तो उन्होंने स्क्रू दिया वाला है तो वहाँ से अटैच कर सकते हो बट अलग से एक्सेसरीज हो जाएगा एक अलग से जॉइंट हो जाएगा बट मेरा पर्सनल है कि अगर आप मोबाइल या डी यूज़ करते हो और उसके ऊपर हॉट शू है तो आप ये लाइट यूज करो क्योंकि ये लाइट के तीन हॉट शू है आप इसके ऊपर माइक लगा सकते हो एक्स्ट्रा लाइट भी लगा सकते हो एक्स्ट्रा माइक भी लगा सकते हो तीन चीजें लगा सकते हो तो ये मेरा सबसे अच्छा एक मेरे को ये लाइट का प्लस पॉइंट लगा कि आप इसको मल्टीपर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो तीन अलग एक्सेसरीज यूज कर सकते हो इस लाइट के ऊपर और दूसरा प्लस पॉइंट इसका ये कि ये मैग्नेटिक है मैग्नेटिक एज इन मतलब चार्जिंग नहीं बट अगर आप सपोज करो कोई भी मेटेलिक सर्फेस है मेटल वाला सर्फेस जैसे ट्राईपॉड वाला स्टैंड हो गया या फिर कोई भी लोखंड वाली चीज़ है जिसके ऊपर आप इसको है ना आराम से स्टिक कर सकते हो ये लाइट बिना टेंशन के मतलब उसके ऊपर स्टिक हो जाता है मैं आपको दिखाऊंगा वो भी आगे तो ये इसका ये एक प्लस पॉइंट है कि ये मेटल सर्फेस पर अच्छे से स्टिक हो जाता है और इसकी अभी अंदर की बात करते हैं थोड़ा लाइट सेटिंग वगैरह सब देख लेते हैं ठीक है अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे और एक बटन यहाँ पे ऊपर और नीचे का या फिर लेफ्ट और राइट साइड का बटन यहाँ पे टाइप सी पोर्ट यहाँ पे दिए तीन हॉट शू माउंट जो मैंने बताया आप यूज कर सकते हो एज ए गोप्रो लाइट वगैरह के लिए तो यहाँ पे दिया वाला है जीरो से लेके थ्री तक का कलर स्पेक्ट्रम तो आप इस हर एक कलर में से इसका यू और सेचुरेशन कम या ज़्यादा कर सकते हो जैसे लाल बहुत ज़्यादा लाल हो रहा है तो आप उसको कम कर सकते हो लाल का कलर तो अभी इसमें दो हज़ार की बैटरी या बैटरी के बारे में थोड़ी देर में बताऊँगा बट अभी बात करते हैं इस चीज़ के बारे में तो अभी जैसे हमने राइट साइड किया तो ये हो गया ऑन अभी जैसे देख सकते हो अभी लाइट चालू नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये जीरो पावर पर ठीक है तो अभी मैं पावर इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो अभी जैसे मैं पावर इंक्रीज़ करूँगा तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा एक्चुअली ये है आर मोड में तो ये जैसे जीरो से लेकर हंड्रेड तक का मोड हो गया तो इसमें ये आर अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं राइट साइड पर करूँगा मतलब एक बार क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगा और फिर मैं अभी कलर पूरे जीरो से लेके 360 कलर्स में से कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ ठीक है तो अभी बात करते हैं हम लोग दूसरे मोड़ के बारे में इसमें तो कलर आपको समझ गया अभी दूसरा मोड जो है दूसरा जो मोड है वो है सीन मोड ठीक है सीन मोड में क्या है आपको टोटल लेवन प्रीसेट्स मिलते हैं इसमें रेडीमेड जो आप यूज कर सकते हो तो जैसे पहला वाला है कॉप कार दूसरा एम्बुलेंस तीसरा है फायर इंजिन चौथा है इमरजेंसी पाँचवा है फायर वर्क छठवा टी वी स्पार्टी एच एल एस स्लो एच एल एस फास्ट आर जी बी स्ट्रो रेड फ्लैश ग्रीन ली ग्रीन फ्लैश ब्लू फ्लैश कॉप कार एम्बुलेंस ऐसा टोटल इसमें है टोटल तेरह प्रीसेट्स है, है इस सीन के अभी हम लोग इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे अभी कैलविन पे ये है तीसरा मोड अभी इसमें ढाई हजार से लेकर नौ हजार कैल्विन तक दिया हुआ है जिसका आप पावर कम या ज्यादा कर सकते हो जो राइट साइड में आप देख सकते हो ये है पावर तो आप कैलविन अभी जैसे ये येल्लो टोन दे रहा है तो मैं अभी इस लाइट का पावर कम भी कर सकता हूँ और बढ़ा भी सकता है अभी मुझे चाहिए कि यार मैं कैलविन चेंज करूँ मुझे येलो ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो मैं और एक बार इस बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अभी मैं कैलविन डाल दूंगा फॉर एग्जाम्पल तो अभी मैंने डाल दिया फोर थाउजेंड कैलविन पे डाल दिया मैंने तो जैसे आप देख सकते हो वाइट कलर आ गया तो ऐसे आप कैलविन इसका ऊपर या नीचे कर सकते हो इस डिवाइस में आपको ढाई हजार से लेके नौ हजार कैलविन तक देखने मिल जाता है अब यहाँ पे आप जैसे राइट साइड में देखते हो बैटरी का एक इंडिकेशन है जहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी कम है या ज्यादा है ये था ओवरऑल इसका नीचे हॉट शू और ये था पूरा लाइट के बारे में इस लाइट के बारे में अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है यूएसबी टाइप सी ये मेरे पास उस मतलब हिफिन कंपनी ने दिया हुआ चार्जर तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे है यूएसबी टाइप सी फॉर एग्जांपल अगर आपकी बैटरी खत्म हो गई तो आप इस चार्जर के मदद से इसे अटैच करके इसे कंटीन्यूअस यूज भी कर सकते हो और एल्स इसे चार्ज भी कर सकते हो so, तो ये था पूरा इस लाइट के बारे में अगर आपको ये लाइट बाय करना है डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है आप वहाँ से बाय कर सकते हो उनसे बात कर सकते हो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है वर्धमान फोटो एम्पोरियल के थ्रू और हाँ अगर आपको ये कोई भी फोटोग्राफी से इक्विपमेंट बाय करना हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वर्धित चीज लगी हो कि यार मुझे कुछ सीखने मिला है तो एक लाइक कर दो कैसा है तुम्हारा भाई आगे भी शूट करेगा कोई भी अनबॉक्सिंग चाहिए तो क्योंकि क्या है अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं भी खुश रहूँगा और मैं भी शूट करूँगा नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा तो एक लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन स्टे से